सोचो कि वो किस तरह का क्या बोलते हो उसको ये है माहौल है राइट ना। तो पारसी लोगों में दिब्बे दे वर्शिप द वो क्या फायर। तो फायर जल्दी रहती है उसको वो वर्शिप करते रहते। फिर उनका जो एक एंजल जैसा कोई तो आहुरा एंड माजदा करके उनके उनके गॉड्स रहते। तो आई एम टेलिंग यू हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आई एम नॉट हेयर टू सिट एंड क्रिटिसाइज देम। आई एम जस्ट गिविंग माई सैवेज व्यूज 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 दे रही हूँ एज अ पर्सन कि हम लोग कितने दोगले कितने हिपोक्रेट्स हैं इन रिचुअल्स और रूटीन्स को लेके। बस हमारे हम पूरी चीज़ें करते हैं बट वी फॉरगेट टू बी अ बेटर ह्यूमन बींग। आई टेल यू मौत जब हमारी जब हम मरते हैं ना तो हम लोग को कितने सारे रिग्रेट्स होते हैं। काश हम ये चीज़ ऐसे करते काश हम ये चीज़ वैसे करते। तो इतना इमोशनल बन के एक डिफेंसिव स्टैंड लेना ठीक है। वो पुरातन काल वो अभी हम लोग ना रिलीजन में भी चेरी पिकिंग करते हैं। जो हमें सूट करता है वो दिखाएंगे। मैंने बोला चेहरा तो दिखाते हैं उसमें 1,000 मेकअप करते हैं फिर तुम्हारा वो सर ढकना क्या मीनिंग रखता है। एंड आई सी दीज भैयाड़ी फीमेल्स अपना पेट पूरा दिखाती है लेकिन पल्लू रखती है। मीनिंग क्या बनता है। तुम्हारा पेट तो दिखता है तुम्हारी नाभि दिखती है और तुम लोग इतने जाड़े बटाटे हो। सीरियसली व्हाट हाउ डज इट मेक अ सेंस। कहाँ सेंस बनता है। तो जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं घूंघट मैंने बोला घूंघट का भी मीनिंग रहना चाहिए ना रिस्पेक्टफुली। जहाँ जहाँ घूंघट लगाना है लोग लगा दो। वे यो घूंघट जहाँ पे तुम्हारे सास ससुर है उनको उनके सामने अगर आजकल पॉसिबल है क्या सिटी में। नहीं मैं जस्ट बोलती हूँ अगर करना है तो कर लो तुम लोग लेकिन ये पेट वेट दिखा के मन मीनिंग क्या बनता है। फिर ये मारवाड़ी फीमेल्स को देखो कैसे सेक्सी सेक्सी ब्लाउजेस पहनते हैं। इनकी साड़ियाँ देखो भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा इनको देख के। बट पहनती तो साड़ियाँ हैं लेकिन यू कैन सी एवरीथिंग देयर स्टमक एंड ऑल दैट। फिर वो ब्लाउज भी इतनी डीप कट की पीछे से मारते रहते हैं। अभी एक नया ट्रेंड ये आ गया है ना कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि वो बासकी होती है। धूप ही जलाना चाहिए। मैंने बोला फिर ऐसा होता तो पूरी अगरबत्ती कंपनियां बंद हो जाएंगी। अगरबत्ती एक इंसेंस है वो एक धुआं एक आने के लिए लाइक यू नो इट्स लाइक दैट एक फ्रेग्रेंस आता है। और यू वोंट बिलीव मेरे घर में ना जब से मैंने ये अगरबत्ती लाई है दैट इज संडे एक महकती हुई खुशबू आती है। टेम्पल फ्लास्क का एक अगरबत्ती लाया है। आई डोंट नो सडनली कभी कभी वो खुशबू बड़ी तेज़ हो जाती है। आई डोंट नो कभी कभी खुशबू बहुत मेरे बेडरूम में मैंने रखा हुआ है वो सारी बिकॉज सुबह उठते ही मैं वो अगरबत्ती धूप जलाती रहती हूँ मेरा रूटीन है। और मैंने बोला कभी कभी खुशबू इतनी तेज़ आती है वो धूम से अगरबत्ती से। प्लीज़ मुझे बताओ तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि अगर तुम्हारे घर में अगरबत्ती। मैंने मतलब पहले भी मैंने ला के रखे थे लेकिन इतना खुशबू नहीं आती थी। अभी मैंने दूसरे दो तीन ब्रांड्स लेके आई हूँ। आई डोंट नो कभी कभी बहुत तेज़ होता है जैसे रात को जैसे कभी दिन में एकदम वो ऐसा लगता है ना। एक बार आई डोंट नो वेदर आई वॉज इमेजिनिंग इट आई कुड एक्चुअली फील द फ्यूम्स आई कुड एक्चुअली फील इट यू नो कि खुशबू आ रही है करके। जैसे मैं रात को उठ के देख रही हूँ कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही। खुशबू खुशबू ही खुशबू मेरे रूम में। प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करो। एंड प्लीज़ आप किसी भी धर्म के हो मैं तुम लोगों को इसलिए मैं पुट डाउन नहीं एज ए सेड आई हैव बिलोंग आई हैव लिव्ड इन सच एन सिचुएशन। अगर मैं ऐसे अपने ओपनली बोलती हूँ तो प्लीज़ डो नॉट बी ऑफेंडेड। तुम अपने ठंडे दिमाग से सोचो एक आउटसाइडर इज़ टॉकिंग वाई इज़ दैट पर्सन टॉकिंग। मे बी द आउटसाइडर का पर्स्पेक्टिव ये है तो उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप तुम फॉलो करो अपना धर्म तुम करो। और ये मत सोचो कि ये चेरी पिकिंग नहीं हम लोग इतना ही करेंगे। अभी ये क्रिश्चियन रिलीजन में चेरी पिकिंग चल रहा है ना उनका
जो उनको सूट करता है, कन्फेशन, दुनिया भर का काली गलोच निकल रही है, दुनिया भर का पाप करेंगे, फिर नो वी डन कन्फेशन। मैंने बोला क्या मीनिंग बनता है उस कन्फेशन का, एक प्रीस्ट के कान में जाके अपने पाप बोलेंगे, फिर वो तुम्हें ब्लेस कर देगा और हो जाएगा तुम्हारा पाप। फिर ये जो हिंदूज होते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं, और ये मुसलमान वो हज करते हैं, बाकी की पब्लिक और कुछ करती है अपने पाप धोने के लिए, फिर रिपीट करते रहेंगे वो पाप, वो कुछ टाइम के लिए ठीक रहेगा। मैंने बोला क्या मीनिंग बनता है, क्या मीनिंग बनता है यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट योर सिंस, और नहीं नहीं इट विल बी ब्लेस्ड। मैंने बोला इट इज़ ऑल ढोम ढोकोसला, द मिनिट यू ऑल कम आउट ऑफ इट, इट्स द सेम थिंग इज रिपीटेड। नो बट गॉड विल फॉरगिव अस, ही इज़ फॉरगिविंग अस 70 times 7, तो 70 times 7 हम सारी हरामीगिरी करें, खून करें, रेप करें, डाका डाले, लोगों का नाम बदनाम करें, औरत की इज्जत के साथ खेले, सब कुछ करे, हम लोग मारपीट करे, गाली गलौज करे, बट भगवान हमें एक तीर्थ यात्रा करेंगे, एक हज करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, या ये जो कैथलिक्स ये है वो कन्फेशन करेंगे, या कहीं वेलिंगटनी जाएंगे, या कहीं जाएंगे, फिर रिट्रीट करने के लिए टैगोर आश्रम जाएंगे, फिर इनके सिंस धुल जाते हैं, कलेक्टिवली उनको ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं। हाँ, सिन नो मोर, जाओ भाई, अभी बिना, इसलिए मैं बोलती हूँ लोगों को हीलिंग क्यों नहीं मिलती है, क्यों आजकल के लोग इतने बीमार हैं, क्योंकि उनकी आत्मा बीमार है। आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, जब तुम्हारी आत्मा मरती रहती है ना, तुम्हारा शरीर भी जवाब देता है। याद है मैंने क्या कहा था जनवरी फरवरी में, आई वॉज लिटरली, मुझे याद है जनवरी का वो 10 दिन, और मेरा मौन व्रत चलता है, तो मैं अखंड मौन व्रत रहती हूँ, मेरा फ़ोन भी हाथ नहीं लगाऊंगी मैं, मतलब इन द सेंस आई विल नॉट बी चिट चैटिंग विद एनीबडी एल्स ऑल्सो। जिस रिट्रीट में मैं गई थी ना डाउन साउथ, वो जब मैं एक बात बता रही थी, वहाँ पर भी तुम्हें अखंड मौन व्रत रखना है, यू शुड नॉट बी चिट चैटिंग विद पीपल अननेसेसरली, और बातें ही नहीं करनी। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मौन व्रत भी एक साइलेंस भी एक चीज़ रहती है, राइट? तो आई कुड एक्चुअली फील कि माई सोल इज़ डाइंग, मैं मर रही हूँ। और ये मुझे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुआ है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने बोला भगवान मुझे उठा लो, अगर मेरी मॉम ने मेरी थोड़ी बहुत भी टेक केयर किया ना, वो मुझे अभी फिर वो पूरे लाइफ टाइम के लिए तो सुनना ही सुनना है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं बनेगा, तो मुझे अभी उठा ले। लिटरली आई हैड सेड दैट, सीरियसली। मैंने बोला, मैं मेरी मॉम को बोलती थी तुम्हारा प्यार सिर्फ जब मैं दुखी हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, तुम्हारा प्यार सिर्फ लिमिटेड वही है, जैसे मैं हेल्दी हो जाती तो उससे देखा नहीं जाता है, वहाँ पे विघ्न लगाएगी तू उससे देखा नहीं जाता कि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, थोड़ी खुश हूँ, मुझे तो डर भी लगता है तुम्हारे सामने खुश रहने के लिए या हेल्दी रहने के लिए, ब्रेकडाउन हो। हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कभी कभी ऐसे वीक चिल्ड्रन जहाँ पे उनको सिंपती करे, वो सिंपथाइज करते रहे, फिर उनको सिंपती मिलती रहती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट इज़ स्ट्रेंज, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। तो मैंने बोला भगवान मुझसे, फिर ये अभी ये फिर वो दूसरी बात, इफ शी हैज़ टू डू समथिंग फॉर मी, एक बोझ ही रहेगा। शी डिड टेक केयर ऑफ मी, शी इज़ ओवर एंथुजियास्टिक इन ऑल सच थिंग्स। मैंने बोला अगर मेरा हाथ टूट नहीं जाता, पता नहीं और वो उसके दिमाग में और क्या चलता। सो एवरी टाइम व्हेन शी हैड सम प्लान्स इन हर हेड, दे वर फ्लॉप। मुझे भगवान एकदम ऐसे बीमार बना देता था, मैं अचानक से बहुत बीमार बन जाती थी। एंड दिस इज व्हाट शी हैज सीन इट विद हर ओन आईज। मुझे भी लगा कि मैं मेरी आत्मा धीरे धीरे मरती जा रही है करके, इट्स अ फैक्ट, इट्स जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तुम अपनी आत्मा को अगर जीव, मतलब उसको तुम हेल्दी नहीं रखते हो,
तो तुम्हारे ये शरीर का क्या काम? मिट्टी तो है, या तो राख बनेगी या दफना देंगे, मिट्टी ही हो जाएगा वो। तो अपने बॉडी को लेके, अपने ब्रेन को लेके इतना प्राउड बनना, मुझे तो कोई मीनिंग नहीं लगता है इन चीज़ों में। और ये प्रीचर्स का क्या जाता है? ये स्वर्ग और नर्क, या तो जहन्नुम या तो ये क्या जन्नत, ये इसका डर ऐसे इनके मौलाना को देखना चाहिए। ये हम तो इंडिया में है तो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान टाइप देखना चाहिए कैसे हैं, कैसे ये भड़काऊ भाषण देते हैं अपने फॉलोअर्स को। काफिरों को बाप रे, माफ़ नहीं। आई हैव एक्चुअली हर्ड दिस, हाँ, क्योंकि वो आई हैड वन ऑफ माई हाउस, माई रूम वॉज फ्लैट वॉज अपार्टमेंट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द मस्जिद, नेक्स्ट टू द मस्जिद। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, वो सुबह सुबह का उनका एंड फ्राइडे के उनके प्रेस, लिटरली दैट पर्सन सेड काफिरों को माफ़ नहीं करना चाहिए। लिटरली काफिर मीन्स नॉन बिलीवर। तो ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये जो धर्म गुरु या जो भी ऐसे ऑरेंज पहन के बैठते हैं, वो भी ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहते हैं कि नहीं अधर्मियों को हमें शिक्षा देनी है, ऑल दैट। ऐसे कैसे कैसे लैंग्वेज वापरते हैं उन लोग। अधर्मी कौन है भाई? और क्रिश्चियंस का तो फॉरगिविंग नेचर, उनको तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए हिपोक्रेसी में। मैंने बोला फॉरगिविंग नेचर का क्या है ना भाई, जीसस भाई, अरे जीसस इज गॉड के, गॉड के इज अ पार्ट ऑफ, वो फॉरगिव कर सकते हैं। बट जीसस, मैंने बोला ये इसी चक्कर में लगे रहते हैं, इनकी सारे लोग मार के रहते हैं, नहीं वी आर वेरी फॉरगिव, नहीं वाला चुतिया वाला कावर्ड्स। बट इनका एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट क्लास है, हेल्थ केयर फर्स्ट क्लास है, बाकी तुम ऐसे देखो कि वो हर चीज़ में एकदम फट्टू रहते हैं। ये लोग परफेक्ट रहते हैं, ये परफेक्ट बनना चाहते, नहीं नहीं वी विल बी इन। तुम ये कैथलिक्स को देखो ना, हमेशा लूटमारी में ना के बराबर ही रहेंगे, क्योंकि इनकी रिलीजन इनको दिमाग में घुसाती रहती है ना। एक तो पॉवर्टी रिडन है कि ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना है, ज़्यादा के पीछे नहीं भागना है, या ऐसा है वैसा है, तो वो भी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं वो माहौल भी ऐसा पैदा करते हैं कि वो यू वुड फाइंड देम चीटिंग, वो ना के बराबर चीट करते हैं, ये तो मैं बताती हूँ। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीटिंग करते हैं, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि उनका वो धर्म में ही है, ये ऑल द टाइम फीड किया गया है उनके दिमाग के अंदर। इट्स अ सिन, इट्स अ सिन, इट्स अ सिन। तो वही, अगर तुम्हारी आत्मा हेल्दी है, तुम्हारी आत्मा सक्षम है, तुम्हारे चेहरे पे वो तेज, वो आभा, वो जिसे बोलते हैं ना तेजस्वी बनेगा तुम्हारा चेहरा। तेजस्वी मतलब वो चेहरे पे एक नूर, नूर इज अ विच अ वर्ड, इट्स शाइन, वो आ जाता है, नथिंग टू डू विथ खाना पीना। और मैंने बोला ना, जैसे जैसे तुम स्पिरिचुअलिटी के करीब करीब जाते हो, तुम्हारा खाना पीना इतना काफ़ी लिमिटेड होता है, तुम्हें ज़्यादा पानी, यू विल ड्रिंक, यू विल बी हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, यू विल बी ईटिंग नेचुरल फूड। आज मुझे बहुत तलब हो रही थी, मैंने बोला गरम गरम मुझे कुछ खाने का है, मैंने बोला मैं रेस्टोरेंट में बैठूँगी। अगर मैं नॉन वेज रेस्टोरेंट में, तो वही कड़छी वापरते हैं, फिर मैंने बोला वो मसालेदार होगा। फिर पहले तो मैं खुद ही जाती थी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए खाने के लिए, अभी मैंने 10 बार सोचा, फिर मैंने बोला मुझे बैठ के इन ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के मज़ा आएगा क्या खाना खाने को? नहीं आएगा। ऐसे कभी कभी मन करता है ना, इट्स लाइक टेस्टिंग टाइम कि मैं जाऊँगी, मैंने बोला नहीं, मेरा नहीं मन करता है, नहीं मन करता है। तो मैंने बोला जाने दो, आई मेक सम पनीर फॉर माई सेल्फ, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो कभी कभी ऐसे एकदम सडनली एक माइंड में आ जाता कि नहीं नहीं गो टू दिस रेस्टोरेंट, गो टू, मैंने बोला नहीं नहीं अभी आई विल बी थिंकिंग ट्वाइस बिफोर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, लाइक कौन से रेस्टोरेंट में जा रही हूँ।
और मुझे वो रेस्टोरेंट का खाना इतना कुछ खास पसंद भी नहीं आता है. यू नो द मिनट यू स्टार्ट ऑर्डरिंग इफ यू डोंट हैव कंपनी और वो तुम्हें पूरा खाना है या पैक करके घर पे लेके जाना है और वो कितना कैसे रहता है राइट. इतना ज़्यादा ग्रेवी, इतना ज़्यादा वो पनीर के दो टुकड़े, उसमें इतना सारा माल मसाला ग्रेवी फिर वो रोटियाँ भी हार रहती रात को. मैंने बोला वो भी रात को तो बिल्कुल भी नहीं. टेम्पटेशंस वंस इन अ वाइल आते हैं लेकिन वो आके चले जाते हैं. तो तुम्हारी आत्मा पे ध्यान दो. एंड व्हेन यू आर प्रेइंग फ्रॉम योर हार्ट, मुझे काफ़ी सारे लेटली सेटबैक्स हुए. मैंने बोला लॉर्ड लेट योर विल बी डन. जो तुम्हारी मर्जी में नहीं है तो नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा, इट इज़ ओके. मैंने सरेंडर करना सीखा है. एंड इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू सरेंडर. जब लोगों को बीमारियाँ होती है तो बीमारी, एज आई सेड, इट्स हेल्पलेस. अगर तुम्हारा तुम्हें भगवान पे इतनी फेथ है तो तुम्हारे तुम्हारे दवाई के साथ साथ दुआ भी काम आती है. तुम हील हो जाओगे. अभी मैंने बोला ना कि मेरा पैर इतना दर्द कर, मैंने देखा कि मेरा वो दूसरे नेल का वो एक्चुअली वो इस नेल को जाके हर्ट कर रहा था, विच आई डिड नॉट रियलाइज. एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग एंड आई सेड लॉर्ड मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये दर्द मैं क्या करूँ. फिर मुझे पता चला कि देन आई चेक्ड इट कि वो था. एंड टुडे इट इज़ मच बेटर. आई एम नॉट, इट इज़ नॉट, इट्स मच बेटर. तो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू गॉड दिल से, और मुझे ना रात को 3:30 या 4 आई वेकअप. पहले तो मैं 5 जगती थी, अभी तो मेरा आई वेकअप एट ब्रह्म मुहूर्त, लिटरली 3:30, 4 o'clock आई एम अवेक. इसे ऐसे कैसे हो सकता है. ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है. आई एम टेलिंग यू ऑटोमेटिकली ही हो जाती है. और कभी कभी आई गिव अप. ऐसे मैं एक करती हूँ तो दूसरा करने के लिए मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं रहती है. ये साफ करूँ, वो करूँ, खाना बनाऊँ, बर्तन धोऊँगी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. यू नो कभी कभी ऐसा मन ही नहीं करता है कि मैं कुछ छू लूँ, कुछ करूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता. मैंने बोला ना खाना खाने का है, ना खाना बनाना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ बातें भी नहीं करनी है. समटाइम्स आई फील आई टर्न इन टू अ मंक. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. दीज आर द साइंस. यू नो यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली एंड फार मोर अर्लियर, लाइक अराउंड 4 o'clock. मुझे ऐसे 4 o'clock क्यों, ऐसे why am I awake at 4? I hope you understand. अभी ऐसा होता है. Eventually you give up on all kinds of silly things in your life. बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जितना तुम वेजिटेरियन खाते हो वो हल्का फुल्का रहता है. एज आई सेड हमारी प्रवृत्ति भी एकदम हल्की फुल्की रहती है, हिंसक नहीं बनते हैं हम लोग. यू नो आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बट व्हाट्स अप विद दिस पाकिस्तानी गाइस यार, व्हाट्स अप विद यू पीपल. वहाँ की मैंने हार्डली शायद से कोई फीमेल देखती है, पता नहीं देखती है. ये लड़के क्या करते हैं, ये ना फेक अकाउंट बनाते हैं, लड़कियों का नाम देते हैं, लड़कियों का फ़ोटो और नाम भी वो देते हैं, और फिर वो ना हर वीडियो में कमेंट करेंगे लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो मैंने एक बंदे को बोला यू आर नॉट, तुमने लड़की का नाम लिखा है बट यू आर अ गाय एंड यू आर डेफिनेटली फ्रॉम पाकिस्तान. क्योंकि इंडियन पीपल डोंट, इंडियन गाइज डोंट डू सच थिंग्स सीरियसली. वो आके सामने से जो भी है कोई भी आइडेंटिटी लेके यू कम टू नो, वो ऐसे हर वीडियो में यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग. मैंने बोला एक चेहरा, एक सुंदरता, एक खूबसूरती है. तो मेरे कंटेंट को देखो भाई, कंटेंट को देखो, मेरे कंटेंट पे कमेंट करो. ठीक है मैं खूबसूरत दिखती हूँ, ठीक है मैं अच्छी दिखती हूँ, ठीक है एक बार बोल दिया तुम हर एक वीडियो में, फिर उसके ऊपर तुम कुछ वंडर नेदरलैंड से कौन देख रहा है, आई हैव नो आइडिया. मैंने रिलीजन्स के ऊपर और फेक गुरुज, अगर तुमने वो टॉपिक देखा है तो मैंने खुल के बहुत ओपनली काफ़ी
विशेष टिप्पणियाँ की हैं, प्लीज़ डू नॉट बी ट्रिगर्ड. अगर तुम्हें, मैंने ओपनली लिखा है सैवेज व्यूज़ ऑन ऑल रिलीजन्स, अगर तो प्लीज़ स्किप इट, नहीं जम रहा है, नहीं पच रहा है, स्किप इट. सॉरी हम अच्छी दिख रही हूँ ना. ऐसे अपने आप को मैं सोच रही हूँ कि व्हेन आई वाज, मैंने एक चीज़ देखी जिससे मैंने अपने आप को थोड़ा सा अच्छा पेश किया है. आई फील बेटर, आई फील बेटर, आई ऑल्सो फील बेटर. लेडीज़ प्लीज़ तुम ना ये मत सोचो कि ये वाली सेंचुरी है तो हम लोग ने बाजी मार ली. यस, हम लोग ने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में बाजी मार ली है, जैसे एजुकेशन हो, जॉब्स हो, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत एनहेंस्ड हो गई हैं. एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये सेंचुरी में पैदा किया कि मैं पढ़ लिख सकूँ, ट्रैवल कर सकूँ, अपने पैरों पे खड़े रह सकूँ, इंडिपेंडेंटली रह सकूँ. तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आई एम वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ रीति रिवाज है तो हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, यू नो. और मैं क्या कहना चाहती थी, और क्या बोलना था मुझे, यही कि इट्स नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग रिलीजन्स. रिलीजन्स, अगर मेरी भाषा तुम लोगों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, सैवेज व्यूज है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड. गॉड प्लीज़, ये जो है ना न्यू, अगर तुम एक नक्काशी या कारीगरी दिखते हो इन दिस ओल्डन टेम्पल्स, तुम सोचो कि वो कितने ज़्यादा एडवांस थे, कि उनके पास कौन सी विद्याएं थी जो आज की तारीख में इन लोग, आज की तारीख में ये इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें देते. फ्लडिंग ऑफ नोहा क्या था वो? समझा करो, अगर वो फ्लडिंग था, इट्स बिकॉज वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, पुराने रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करके नया एक चैप्टर खोला गया था. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ये जो ऑपोजिट पार्टी है ये बहुत ही ताकतवर है, बिकॉज उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि ये पत्थर पे जो नक्काशी करते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते. ये ह्यूमन, अगर मुझे कोई बोलता है ये ह्यूमन ने बनाया, मैंने बोला है ह्यूमन के लेबरर्स होंगे लेकिन इसका पीछे का ब्रेन कुछ और है. यू नो इन दिस हिंदू धर्म देयर इज फोर वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव एंड शूद्र. मतलब तुम्हारी जो जाति है या तुम्हारा जो तुम उसी में रहोगे, तुम मिक्स नहीं हो जाओगे किसी के साथ. आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी ये चीज़ें दूसरे धर्मों में भी होती है लेकिन हिंदू में इनका कुछ ज़्यादा ही ऑन द नेक्स्ट लेवल है. दूसरे रिलीजन्स में वो क्या करते हैं, वो थोड़े से लो प्रोफाइल तरीके से ये चीज़ को करते हैं, अमीर या गरीब, बस सिंपल एज दैट. बट जनरली ये है एक फिक्स्ड जब हिंदू रिलीजन में बोलते ना कि हमारी एक ही पत्नी होनी चाहिए, मैंने बोला राम के जो पिताजी थे दशरथ, उनकी तो तीन रानियां थी. जब आप राम राम जपते रहते हो तो उनके जो पिताजी थे, डैडी जी थे, उनकी तो तीन थी ना, कौशल्या थी, कैकेयी थी, सुमित्रा थी ना. तो नथिंग इज परफेक्ट. नहीं, पत्नीव्रता, एक पत्नी को पतिव्रता बन सकती है और उसके पति के दो चार बीवियाँ हो सकती हैं, स्टिल शी कैन बी पत्नीव्रता. जैसे कृष्ण की इतनी सारी बीवियाँ थी,
सारी की सारी पतिव्रता ही थी। और पुराने जमाने में स्वयंवर रहता था, स्वयंवर में वो औरत कोई भी अपने मन चाहे राजकुमार से प्यार कर, मतलब वरमाला डाल के शादी कर सकती थी। तो दे वर क्वाइट ओपन माइंडेड इन दोज डेज कि हमारी बेटी को हमने पाला पोसा है, हम सारे के सारे राजकुमार को एक साथ बुला लेंगे, फिर वो बांध तोड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो फिलफिल करेगा, और इस औरत को मतलब वो पसंद आता है कोई भी पास तो शी कैन चूज हिम। तो वो काफ़ी हद तक यू कैन से फॉरवर्ड थिंकिंग भी थे। रावण ने सीता को इसलिए नहीं छुआ था बिकॉज उसका सर फट जाता था, अगर वो पराई स्त्री को छूता विदाउट हर परमिशन तो उसका सर फट जाता था। और वो सबसे बड़ा शिव भक्त था और सबसे बड़ा ज्ञानी था वो। तुम सोचो उसके जो इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद भी उसने छिजोरापन तो कर लिया ना। और एक औरत ही उसका नाश का कारण बन गई। तुम एडम को भी देखो, मुझे पता नहीं ये एडम एंड ईव वाली स्टोरी भी बड़ी अजीब सी लगती है, बट स्टिल आई विल से अब ये एडम के इतना अच्छी तरह से पैराडाइज में घूम फिर रहा था, फिर भगवान ने बोला तुझे कंपेनियन चाहिए। मे बी ही हैड इन हिज माइंड क्रिएटर, जो भगवान थे उनके दिमाग में जो था कि अभी मल्टीप्लाई करना है ये ह्यूमन काइंड को, तो कैसे करेंगे, तो मैन एंड अ वुमन राइट, तो उन्होंने वुमेन को पैदा किया राइट। तो जब वुमेन को पैदा किया तो वुमेन ने वो बेचारे एडम के साथ क्या किया नहीं हम भी भगवान बन जाएंगे करके एप्पल खा लिया फ्रॉम द सर्पेंट राइट। तो फिर उसके बाद से जो कर्ज मिला तो पता है ना। तो यही तो मैं कहती हूँ, महाभारत का युद्ध भी द्रौपदी के वजह से हुआ था। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि औरत बेचारी हर बार हार जाती है, कुछ अच्छा करे तो हारती है, कुछ बुरा करे तो पूरा उसके सर के ऊपर आ जाता है। कभी कभी मैं भगवान को बोलती थी ना कि मैं थक गई हूँ, अभी सीरियसली उठा ले अभी कितना मतलब एक इमोशनल एग्जॉशन भी हो जाता है। अक्टूबर आ रहा है, नवरात्र शुरू हो जाएंगे, पता नहीं अब अक्टूबर तक चीज आई डोंट नो फुल मून या अमावस्या या पूर्णिमा का भी इफेक्ट रहता होगा शायद से, हो सकता है ना। अभी तो चंद्र ग्रहण भी था बीच में। नहीं मैं जस्ट ऐसे बोल रही हूँ कि मैं फ्री फ्लो में बातें करती हूँ। लोग खूबसूरती के पीछे भागते रहते हैं यार, खूबसूरती क्या चीज़ है। आई नो वंस अपॉन अ टाइम आई डिडंट लुक ऑल दैट ग्रेट एंड नॉट दैट आई वॉन्ट टू लाइक यू नो बी फीलिंग ग्रेट अबाउट इट और समथिंग। जब लोग मेरी तारीफें करते थे ना, माई मॉम यूज़ टू फील वेरी प्राउड कि नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है। मैंने बोला ये अच्छी बात है, प्रोडक्ट के लात मारो एवरी सिंगल डे, लेकिन बाहर की जब जनता या पब्लिक उसको अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसे स्लिम एंड ट्रिम।
ये आई एम टेलिंग यू लेडीज अगेन एंड अगेन, अगर मैं जेंट्स को कि मैं क्या ही बोलूँ उनको, उनके 100,000 उनके दिमाग में पछड़े चलते रहते तो वो नहीं ही फॉलो करते हैं या करेंगे। बट मैं लेडीज़ को इतना ही बोलती हूँ, अगर तुम्हें कोई भी शारीरिक दर्द होता है या तुम्हें कोई पीड़ा यातना होती है, आई नो आई एम स्पीकिंग इन शुद्ध हिंदी, पता नहीं वो आज मेरे अंदर है शायद से, वो शुद्ध हिंदी कभी कभी आ जाती है मेरी, पीड़ा यातनाएँ हैं या तुम्हें ऐसी कोई बीमारियाँ हैं, तो ये समझो ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये कहाँ की उपज है, किस तरह का, किस चीज़ों में तुम्हें हेल्पलेस फीलिंग आती है कि तुम्हें रीढ़ की हड्डी या पीठ का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, हाथ पैर का दर्द, आँखों की रोशनी कम होना, चक्कर आना, उल्टियाँ होना। आई एम जस्ट सेइंग गिविंग एन एग्जांपल इन डेली लाइफ ऑल्सो, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, फैटी लिवर, तुम्हारे खान पान में कुछ है या तुम्हारे सोन तुम्हें नींद नहीं आती है, क्या इशू क्या है, या तुम्हारे रिश्ते आसपास का माहौल कैसा है। आई एम टेलिंग यू तुम्हें आंसर्स वहीं मिल जाएंगे, मुझे काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाते जब भी अभी मुझे पता होता है कि मेरी एक आध बीमारी कहाँ से आती है, तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ कैसे कहीं गड़बड़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर तुम कितनी भी दवाई कर लो, दवाई विल ओनली, इट्स लाइक अ ट्रैंक्विलाइजर, मतलब कुछ देर के लिए तुम्हें आराम देगा, फिर से वो दूसरी बीमारी पकड़ लेगी, बिकॉज दीज फार्मास्यूटिकल्स आर फुल ऑफ केमिकल्स। तुम कितने मेडिसिंस लेते रहोगे, कौन से डॉक्टर के पास भागते रहोगे, गायनेक का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका, गायनेक इज हमारा फिब्रॉइड का प्रॉब्लम, फिर थायराइड का प्रॉब्लम, फिर पीरियड्स का प्रॉब्लम, फिर क्या प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, राइट ना। तो हमें सोचना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ में बीमार पड़े, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम वी हैव टू गिव अप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड स्टार्ट प्रेइंग कि कहाँ से, किस तरह से मैं मैनेज करूँ, भगवान मैं किस तरह से मैनेज करूँ, यू गाइड मी। फिर हमारे खान पान में, फिर हमारे लोगों के साथ जो व्यवहार है उसमें भी बहुत तब वो आना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों में। तो मैं देखती हूँ हीलिंग आराम से हो जाएगी, तुम ना डिफरेंट पर्सन बन जाओगे जब तुम भक्ति भाव में दिल से रहते हो। तो फिर ये रिचुअल का पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, या चर्च जाना, या मास सुनना, या जो ये दूसरे ये कीर्तन सुनते हैं ये सरदार लोग, ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स चैंटिंग, बुद्धिस्ट लोग हैं चैंटिंग करते रहते हैं, क्या मीनिंग बनता है, दीज आर जस्ट रिचुअल्स। तुम जब भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते हो ना, तुम भूल जाते हो ये सारी चीज़ों को, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, तुम इतने, यू आर जस्ट फ्लोटिंग। समटाइम्स आई फील आई एम फ्लोटिंग, आई एम लाइक अ क्लाउड फ्लोटिंग, मैं इतनी हल्की फुल्की हो गई हूँ लिटरली। आई टेल यू, लास्ट जुलाई अगस्त तक मुझे इतना दर्द रहता था, पूरे शरीर में दर्द, मैं नहीं बता सकती थी, फिर भी मैं उठ के मेरे मूवमेंट्स, मैंने बोला मैं अकेली रहती हूँ वो दूसरी बात है, लेकिन मूवमेंट्स इतने डिफ़िकल्ट रहते थे मेरे, एक एक दिन एक एक कदम चलने के लिए भी। तो आई हैव सीन चेंजेस इन माई लाइफ, अगर मेरे लाइफ में वो चेंजेस आए हैं, वो तुम्हारे लाइफ में भी आएंगे। मैं पानी तक नहीं पी सकती थी, मैं बीच में जब बीमार, मुझसे पानी तक वो पीने को नहीं होता था, लेटर ऑन फ्रूट्स तो होते ही नहीं थे, खाना खाने को भी नहीं होता था। फिर वो ब्लैक टी में वो बिस्किट्स मिला के मैं खाती थी कुछ, तो फ्रूट्स भी मुझसे खाया नहीं जाता था, खाना तो दूर की बात है, पानी तक पिया नहीं जाता था, या तो लेमनेड या तो ब्लैक टी, वैसे वाला फीलिंग आ गया था। तो इट्स ओके, अपने आप को इजी रखो, ये पागल की तरह इसके प्रीचर के पीछे, ये गुरुजी के पीछे, ये ऐसे पढ़ना है, ये ही करना है, नहीं, यही मुझे बोलना था। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और तुम लोग के जो फीडबैक रहती है ना, वो रिस्पेक्ट
हेल्पफुल होती है, जब तुम लोग मुझसे डिसएग्री करते हो मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गाली गलौज और तुम अपने आप को ये ऐसे फालतू चीज़ें जब होते हैं, दैट्स नॉट डन राइट। और मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है, अगर ये ट्रिगरिंग लगता है तो मत देखो, मत ही देखो, क्योंकि मेरी जो टाइटल्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर रहते हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ लाइफ, देखना है देख लो, नहीं तो इट्स ओके, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो और ये वो। लोकतंत्र है ये, तानाशाही नहीं है कि मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ। और हर एक वीडियो चेकिंग में जाता है मेरा, वो ऐसे ही अपलोड नहीं होता है, वो चेक करते हैं एंड देन दे अपलोड इट। थैंक यू यूट्यूब मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझने के लिए। सीरियसली, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चलो मैंने बोला अपनी आधी ज़िंदगी मैंने काट ली इस कलयुग में, और आगे का पता नहीं। आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने ऐसे ही बोला मेरे दिमाग के अंदर, अभी मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं सोचना चाहती। बस उतना ही, प्लीज़ ऑल माय व्यूअर्स, कहाँ तुम लोग ऐसे फुकट में कंटेंट देखते हो ना, लाइक सब्सक्राइब तो वो दूसरी बात है, वो तो शेयर तो मैं, कमेंट तो करो यार, कमेंट करो कुछ अच्छे वाले, इंटरेस्टिंग वाले, दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड नमस्ते टू एवरीबडी ग्लोबली, अगर मुझे कोई देख रहा है तो, फ्रॉम विच एवर कंट्री, नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।